नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज रिपोर्ट। बिहार प्रदेश के रोहतास नगर परिषद में स्थित राजकली सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल के प्रांगण में खेल महोत्सव में सफल छात्रों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के सभापति राधेश्याम सिंह और उप सभापति धनजी को भी सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य पार्षद राधेश्याम सिंह ने बच्चों से कहा कि आप लोग मेहनत करके आगे बढ़े। वही उप मुख्य पार्षद धनजी सिंह ने छात्रों से कहा कि कबड्डी के दौरान प्रतियोगिता में सफल प्राप्त किए कड़ी मेहनत की जरूरत है। जो आप लोग कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता पाए हैं, उसे लगातार राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते रहे। आप लोग के साथ हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रमेश कुमार सिंह ने किया, संचालन श्याम लाल सिंह ने किया। मौके पर वार्ड सदस्य सुनीता गुप्ता, रेणु देवी, प्रमोद कुमार शर्मा, रंजू देवी, ललिता देवी, मंजू देवी, उमा शर्मा सभी जनप्रतिनिधि को सम्मानित किया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश चौधरी, अशोक चौधरी, वीरेंद्र शर्मा, नंद कुमार ओझा, मुखिया जी राम कृत प्रसाद चौधरी, मखन सिंह, जवाहरलाल प्रसाद चौरसिया, उमा शंकर प्रसाद, मोहरलाल चौधरी, कमलेश कपूर, पैक्स अध्यक्ष सूर्यदेव प्रसाद सूर्यदेव चौरसिया और ब्रदर राजकुमार प्रदीप कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। व्यवस्था है, अगर उस व्यवस्था में लगता है तो लचर व्यवस्था है तो हम लोगों को सहयोग भी करना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी बारी को विराम देता हूं। द्वारा खेल महोत्सव में जो पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया है, उसमें इस विद्यालय के शिक्षकगण एवं शिक्षिकागण, तमाम नन्हे मुन्हे बच्चे एवं आए हुए आगंतुक सज्जनों, मैं सभी को हार्दिक नमन एवं बधाई देता हूँ। मैं इस विद्यालय के खेल महोत्सव के उद्घाटन में भी मौजूद था और पुरस्कार वितरण में भी मौजूद हूँ। मैं शिक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे और विद्यालय के व्यवस्थापक संचालक महोदय से मेरा नम्र निवेदन होगा कि अगर आपके विद्यालय में अगर असहाय बच्चे हैं, निर्धन बच्चे हैं, तो उनको फीस वगैरह के लिए आप घर कभी न लौटाइएगा। इसलिए कि नन्हे मुन्हे बच्चे के जो फेस आत्मा पर लगेगी वह बहुत ही कष्टदायी होगी। अगर वैसी जरूरत आप लोगों को किसी भी परिस्थिति में पड़ेगी तो हम लोग उस भरपाई को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यही हमारा इस विद्यालय के लिए प्रार्थना होगी। उससे पहले भी खेल होते रह रहा है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना चाहिए। ये पहले मैं अपने अतिथिगण को जितने मैं आया हूँ उनको, पत्रकार साहब लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। इस तरह से अपना वाणी समाप्त।